वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ ने, उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जहनी तौर पर, जो दिमागी तौर पर बच्चे छोटे दिमाग वाले कह सकते हैं, मैं आसान अल्फाज में शायद मैं उतना बेहतर नहीं कह सकूँ जितना डॉक्टर इब्राहिम साहब बता सकेंगे। लेकिन बच्चों का जो है जहनी तवाज़ुन या तो ठीक नहीं होता या दिमाग मुकम्मल बना नहीं होता। ये जो दिमागी अमराज हैं, इस छोटी उम्र में इसकी वजूहत क्या होती हैं, ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, ये क्या डेवलप पहले से बीमारी होती है, क्या बच्चा बॉर्न इसी तरह होता है या ये होने के बाद कोई ऐसी चीज़ है जो उनको हो जाती है, ऐसे बहुत सारे सवाल और भी सवाल करेंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ को। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम। अस्सलाम जी, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच आपकी और पूरी टीम को मेट्रो न्यूज़ की कि आपने मुझे मदद किया। हर वक्त करते रहते हैं और इस तरह के टॉपिक्स आवाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो बच्चा वो है जो पैदा ही ऐसा हुआ है, बॉर्न ही ऐसा हुआ है। कुछ बच्चे बॉर्न हो गए लेकिन उसके बाद उम्र तो बढ़ रही है, दिमाग नहीं बढ़ रहा, कहीं आके रुक गए हैं कुछ, ये किन क्या वजूहत हो सकती हैं उनकी और फर्क क्या है दोनों में, डील करना किसको ज्यादा मुश्किल है? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो फैमिली के लिए बड़ी अफसुर्दगी वाली बात है। एक शॉक, बहुत बड़ा शॉक लगता है। अच्छा। और एक पैनिक अटैक्स होते हैं, शॉक लगता है, पूरी फैमिली गेट इंटायर फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। चाहे बच्चा पैदाइशी तौर पे कोई प्रॉब्लम के साथ हो या छः महीने या एक साल बाद हमारे पास कोई ऐसी डेवलपमेंट एरर्स के साथ आ रहा हो, जिसको हम स्पेशल केसेस कहते हैं। स्पेशली हम कोई अलग से नाम नहीं लेते लेकिन स्पेशल केसेस कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो बज़ाहिर तौर पे पैदाइशी हो या दो साल के अंदर अंदर कोई फिट्स पड़े हों। अच्छा, हाई जॉन्डिस हो गया हो। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग निगलेक्ट करते हैं वो है जॉन्डिस। अच्छा, ये जो आप सारे रीजन बता रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनको पैदाइश के बाद ये डिवेलप हो रही है बीमारी, ये आ रही है। क्या ऐसे भी हैं बच्चे जो इसी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे हैं? ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है। प्रीनेटल एनोक्सिया होती है, माँ के पेट में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसकी वजह से बच्चा डी ऑक्सीजनेशन के साथ पैदा हुआ और इसके साथ प्रॉब्लम हुई। पैदाइश पे ही फिट्स पड़ गए, पैदाइश पे ही शुगर लेवल कम हो गई। ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें दिमाग को नुकसान पहुँचता, दिमाग की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। सही। उसमें अलग अलग कैटेगरीज और बच्चे हैं, डिपेंड करता है किस तरह की कैटेगरी रिस्पॉन्सिव होगी। कुछ कैटेगरी है जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो एक तो ये है। दूसरा, माँ के ऊपर स्ट्रेस आ गया, माँ को ब्लड प्रेशर था, माँ को हाई शुगर थी, उससे बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा बाहर आया तो बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल कम हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो गए। फिर माँ को ब्लड प्रेशर था, प्रीक्लेम्सिया में चली गई, बच्चा पैदा हुआ, डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें बच्चा दिमागी तौर पे इसको नुकसान पहुंच सकता है। बच्चा पैदा हुआ, रोया नहीं और लंबा नहीं रोया और उसको एनआईसीयू केयर की जरूरत हुई, इसका एबगार स्कोर जो होता है वो खराब हो गया, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर अच्छा नहीं मिला, उसको टीम अच्छी नहीं मिली, उसको डी ऑक्सीजनेटेड रहने दिया, उसको फिट्स पढ़वाने दिया, उसको वो फैसिलिटेट नहीं थी कि उसको किस तरह मैनेज किया जाए, तो ऑफ कोर्स उसका ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत सारे होते। सही, ठीक है। लोगों को अपना टेक केयर ऑफ कोर्स करना चाहिए, प्लस साथ में बच्चे की टेक केयर के लिए ये देखना चाहिए कि पीछे बैकअप टीम कैसी है। एक तो गायनी की टीम होती है, ठीक है, ओके फाइन, गायनेकोलॉजिस्ट आ गई, सर्जरी कर दी या फिर नॉर्मल डिलीवरी करा दी। आजकल लोग ये भी करते हैं कि सर्जरी से भाग रहे होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत लंबा टाइम दे देते हैं जिसकी वजह से बच्चा भी अंदर डैमेज हो सकता है। अच्छा। क्योंकि लंबा प्रोलॉन्ग हो गया या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई और वो रास्ते में ही बच्चा डिलीवर हो गया, रोया नहीं, इसको टीम नहीं मिली प्रॉपर, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें, लेकिन वो चीज़ 25% है। ठीक। मगर फिट्स या जॉन्डिस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को
100% डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। अगर फिट 5 मिनट से ऊपर है, यानी जॉन्डिस तवाज़ुन खराब होने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर फिट जाए या फिर जॉन्डिस पीलिया। मेरे पास एक कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जॉन्डिस है 21, 22, 23 हो गया, हम सिर्फ झड़वा रहे हैं, जो लोगों का कॉन्सेप्ट है। और अभी मेरे पास इसी वीक में एक पेशेंट आई है मेरे पास 21 बिलिरुबिन के साथ, जॉन्डिस के साथ, और शी वाज़, और पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं था पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बट रिपीटेडली देवर सेइंग मी कि बच्चा हम जो है उसको एक वर्ड था, पता नहीं क्या वर्ड था, वो मुझे मैं भूल गया, वो हम झड़वा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दैट कॉजेज अ डैमेज ऑफ द ब्रेन। अब वो कौन, मतलब ये समझाना तो ठीक है, आप लोगों का एक सत्कार जारी वाले प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, बट ये कौन समझाएगा? प्लस साथ में दूसरी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। सही। अच्छा, हम डील करने पे आ रहे थे। एक तो ये कि अभी आपने कहा बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, बेबी बॉर्न इसी डिसऑर्डर के साथ हुआ, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जो खुदा ना खास्ता होने के 2-3 साल बाद उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई, और तो फिर ट्रीट करना मैं जानना चाह रही हूँ किसको ज़्यादा मुश्किल होता है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 साल के अंदर अंदर कोई भी ऐसी इश्यूज होंगे तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है, अगर 5 मिनट और 10 मिनट के वक्फे से फिट्स पड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे फिट्स पड़े जो बिल्कुल ही, एक तो है मेनिनजाइटिस वाले फिट्स, एक है शुगर लेवल कम हो गया, सोडियम कम हो गया, सडनली फिट पड़े और 10 मिनट तक पढ़ते रहे। कुछ बच्चे तो बहुत अंदर से कुव्वत मुदाफ़त की बहुत स्ट्रांग होती है, तो शायद वो मिर्गी की तरफ चले जाएं रिपीटेडली फिट्स अगर पड़ रहे हैं, मगर कुछ बच्चे डैमेज हो जाते हैं सडनली। उसमें अल्लाह ताला बचाए भी, और अल्लाह ताला उस कैफियत से बचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभार बहुत नुकसानदेह साबित होता है, उसमें स्पेशल केयर भी चाहिए होती है और बच्चे भी स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने मिर्गी की बात की, मिर्गी इटसेल्फ क्या किसी का दिमाग, इसको आप कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर भी है या कुछ हो जाता है? जब आपका फिट पड़ा उसके बाद तो लोग ज़्यादातर नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि शायद उनका थोड़ा सा बचपने वाला स्टाइल आ जाता है, देर से बात समझ आती है, बोलने में थोड़ा सा, तो ये क्या ताल्लुक है इनका आपस में? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ताल्लुक है। पहला ताल्लुक तो ये है कि मिर्गी एक क्या चीज़ है, ये एक समझना ज़रूरी है। मिर्गी इज़ फिट्स, झटके पड़ना, सडनली पड़ना। एक फेब्राइल फिट्स होते हैं जो 2-6 साल तक पड़ते हैं, मतलब बुखार की वजह से, लेकिन उसकी भी एक कैफियत है, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर वो सेटल हो गया तो मिर्गी की तरफ कम से कम जाएगा, लेकिन अगर 5 मिनट से ऊपर और 10 मिनट से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो उसकी कैफियत लंबी होना शुरू हो जाती है और बहुत लंबा लंबा हो जाता है, और वो आगे जाके मिर्गी की तरफ चला जाता है। एक तो ये डायग्नोसिस बनती है। ठीक है। दूसरा, मिर्गी वो है जो इलेक्ट्रिक सर्किट स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग समझती है, तूफान आ गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट पे खड़ी हैं बस, और पानी नीचे खड़ी हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको, तो दैट इज मिर्गी। ठीक है। सर्किट तेज हो गया, उसकी बहुत सारी वजूहात, दिमाग पे सब कुछ खिला रहा है या पूरी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर कर रहा है, क्या पूरी बॉडी में डिस्टर्ब कर सकता है? अच्छा, पूरी बॉडी डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसी सिचुएशन बना सकता है कि बस आपकी आंखें रोल करना शुरू कर देती हैं, झाग निकलना शुरू कर देता है, हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाता है, वो मिर्गी है। लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर अंदर वो सेटल हो जाता है तो कुछ मेडिसिन के साथ वो सेटल हो जाएगा, और वो काफ़ी देर 2 साल तक मेडिसिन देने से ठीक भी हो जाते हैं, और कभी नहीं भी होती मुर्गी, लेकिन एक मिर्गी कभी ना ठीक होने वाली है, इसलिए मिर्गी की भी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी मिर्गी कभी ठीक नहीं होती। वो ऐसी हैं जिसमें अंदर इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट जो है, आपका ब्रेन का जो सर्किट है वही कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है, तो वो आपकी मिर्गी ठीक नहीं होती। एक आप चाहे मेडिसिन लेते भी रहे, मेडिसिन लेते रहे तो ठीक रहेगी, मगर मेडिसिन जा छोड़ेंगे तो वहाँ पे फिट। कुछ डॉक्टर साहब लोग हैं ऐसे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि रोजाना दवा भी लेते हैं और उसके बावजूद उनको एक फिट आ जाता है, ये क्या उसकी खाने में हो जाता है या सोचते ज्यादा है? जी 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 जी, ये बहुत एक उम्दा सवाल किया आपने, और नाजुक सवाल भी है, क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट हमसे आके पूछ रहा होता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रीजंस वो होती हैं। ठीक है, किसी को भी मिर्गी होगी, वो ऑफ कोर्स अंदर सोच रहा होगा कि व्हाई मी, यस, क्यों मैं, क्यों, क्या मैं आगे कुछ कर सकूंगा,
क्योंकि उसको हर चीज़ से डराया जाता है कि तुम साइकिलिंग नहीं कर सकते, तुम स्कूटर नहीं चला सकते, तुम पेड़ पर नहीं चल सकते, तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम शावर अकेले नहीं ले सकते. तो इंसान सोचता है वाई मी. तो ऑफकोर्स वो अंदर से एहसास कमतरी में चला जाता. मगर एहसास कमतरी की बात नहीं होती, ऑफकोर्स वो एक डिज़ास्टर है तो अडॉप्ट भी करना चाहिए, लेकिन उसकी मेडिसिन हैं. लेकिन जब उसके साथ स्ट्रेस भी हो रहा है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फेयर, स्लीप, एंगरनेस, ये सब चीज़ें एग्रीवेट करती हैं इलेक्ट्रिक शॉक को ब्रेन में हाई करने के लिए. अच्छा, यानी अगर ऐसे लोगों को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो ये उनकी बीमारी. आप छोड़ें एपिलेप्सी को, अगर आपको कहीं गुस्सा आता है तो क्या होता है? आप होता है ना, मैं ग्लास उठा के तोड़ दूं. दिस इज इलेक्ट्रिक शॉक जो आपको तेज करता है. ठीक है, उसमें उसको फिट्स पड़ जाते हैं. ओके, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. समझ गई मैं, बिल्कुल ठीक है. कुछ लोगों को फूड की वजह से होता है, खाना, क्योंकि जो एपिलेप्टिक पेशेंट है, आज किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं ये वाली बात कि किसी को भी मिर्गी का मर्ज है उसको कीटो डाइट पे डालना चाहिए, हाई फैट डाइट. ठीक है, ये दोबारा आप बताएंगे, जिसको भी मिर्गी का मर्ज है उसको कीटो डाइट पे जाना है, जो कि फैट डाइट, हाई फैट डाइट होता है, हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट है. उनको ग्लूटेन से, शुगर लेवल से, कैफीन से, सोडा से, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट से, प्रिजर्वेटिव से, आर्टिफिशियल कलर्स से, और जो चीज़ें उसको हाई करती हैं या उसको बेचैन करती हैं उसको कट डाउन कर देना चाहिए. ठीक है, और अगर ऐसा पेशेंट बड़ी कोई लड़की जो लोग नहीं है, तो नहीं मान रही है तो क्या करें? ऑफकोर्स उसको मनाना है. ये जो आप बात कर रही हैं ना, यही फिट पड़वाते हैं. अच्छा, क्योंकि कोई अगर कोई कहता है कि मैं खाने पे नहीं मानता के साथ अब उसको आदत हो गई. हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स कोई कहता है कि यार मैं कीटो डाइट पे नहीं जाना चाहता, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो सॉल्यूशन. देखिए, दवाई नहीं है, दिस इज द बचत. बचत, ओके, बचत बाजार है ये. ठीक, आपकी उससे बच रहा है तो आपको बचना है, तो आप बचते रहेंगे. सारी जिंदगी रहती है कभी जी? ऑफ कोर्स नहीं, कुछ कुछ एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक हो जाती है. हो जाती है? ये कौन सी एपिलेप्सी है जो ठीक हो जाती है? कुछ नॉर्मल एपिलेप्सीज होती हैं जिसकी कुछ जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स किसी की भी नहीं है, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन है जो 2 साल आप मेडिसिन देते हैं, फिट फ्री हो गया, उसमें 2 साल में कोई झटके नहीं आए, हमने टेपर डाउन किया और बंद कर दिया. वो बहुत सफा सारी जिंदगी नहीं आती है, बट कभी वही चीजें जो मैंने बताई उससे एग्रीवेट हुआ और फिट पड़ गए. सही सही, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मगर ऐसी सिचुएशन कम है. ठीक है, हो जाता है ठीक, लेकिन कुछ एपिलेप्सी ऑफ कोर्स ठीक नहीं होती है. लेकिन एपिलेप्सी की भी बहुत सारी दवाएं. अब देखें एपिलेप्सी मिर्गी पड़ती क्यों है, दवाएं दे रहे हैं. आपने एक बात और की, हमने तो दूसरी वजूहत भी बता दी ना. देखें, कहीं ना कहीं डोज का एरर जरूर होता. अच्छा, शुगर लेवल बढ़ती जब है जब आप किसी वक्त इंसुलिन नहीं लेते हैं. ये झूठ है कि आपने शुगर बढ़ टाइमिंग का मैंने सुना था. ऑफकोर्स देखें साइड कि टाइम जो है उसी वक्त खाएं. पूरी बात सुना, आपने शुगर लेवल आपको कम करनी है, आपने इंसुलिन पे आ गए हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपने डाइट का ध्यान नहीं रखा और आपने इंसुलिन मिलने लगाई, शुगर बढ़ गई, आप डॉक्टर के पास गए, मेरी तो शुगर ही ठीक नहीं हो रही. हाँ, तो भाई शुगर कैसे ठीक नहीं होगी? तुम तो एक तो प्रॉपर इंसुलिन ले भी नहीं रहे और डाइट भी कंट्रोल नहीं कर रहे, वॉक भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो ठीक नहीं होनी है ना. तो ये एक बहुत बड़ा होता है मसला. तो आपको इसको कॉन्शियस कराने के लिए डॉक्टर अवेयर करता है कि यार ये करना है, तो इस पे बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. सही है, सही. अच्छा, नहीं मैं दवा पर ही हम बात कर रहे थे कि एक दफ़ा एक डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर आपने रात को 8 बजे लिए आपकी एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है, तो आपने 2 साल तक कंटिन्यूस बड़ी पाबंदी के साथ वो 8 बजे ही लेनी है. अगर आपने उस दौरान किसी दिन 6 बजे या 7 बजे ले लिया दवा, तो आप दोबारा से स्टार्ट करें कि आज से आपके फिर 2 साल शुरू हो गए. नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़े डॉक्टर ने दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. इट बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट बताया है. देखें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हर दवाई का एक हाफ लाइफ है. अच्छा, उसकी दवाई की एक मुद्दत है. 12 घंटे अगर है तो इसको 11:30-12 घंटे के अंदर अंदर वो दवाई पी लेनी है. ओके, कि आगे वो फिट ना पड़े. ठीक है, फिर हम उसके साथ ईजीज करा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोग्राम जो करा रहे होते हैं, ईजीज के जो टेस्ट होता है वो करा रहे होते हैं कि वो नॉर्मल आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ. सही, अगर वो नॉर्मल आना शुरू हो गया तो ऑफकोर्स हम आपको 2 साल के बाद टेपर डाउन करके बंद कर देंगे. अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि सुबह 6 बजे फिट पड़ेंगे. ठीक है, अगर हो नहीं
बड़े डॉक्टर ने भी यही वाली बात कही होगी, अगर किसी ने अगर ये बात सवाल की है गलत समझ आया है। अच्छा। फिट पड़ेंगे तो आपको, अगर फर्ज करें 21वें महीने में फिट पड़ गया हाँ। तो आपको दोबारा से 2 साल के लिए दवाई देनी है। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बात बताऊं सलाह के, यहाँ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ऑफ ये जो चीजें बताई हैं वो दवा में हो जाती है, दवा होगी या जो मैंने चीजें बताई हैं ऑफ कोर्स होगा, डाइट है। ऐसे लोगों को क्या, अगर वो ज्यादा सो जाए, नींद उनकी ज्यादा होती है, नींद का कोई मसला नहीं, नींद अच्छी करें, ये भी सुना था कि नींद अच्छी करें, स्ट्रेस नहीं लें, एंजाइटी कम करें, फूड का ध्यान रखें। नहीं डॉक्टर साहब, किसी ने मुझे ये भी कहा था कि अगर ज्यादा सो लें तो भी फिट पड़ने के, जैसे अगर आपको 8 से 10 घंटे सोना है और वो बंदा 12-12, 13-13 घंटे सो रहा है, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स दवाएं शुरू शुरू में जब जाती हैं तो आपकी नींद की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है। ठीक है, मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराते सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ से बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है, आई होप कि लोगों का जरूर फायदा हो रहा। अगर हम बात कर रहे थे एपिलेप्सी पे, उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हम जो जिस टॉपिक से हमने शुरू किया था, जहनी तवाज़ुन जो बच्चों का डिस्टर्ब होता है या छोटे दिमाग वाले बच्चे, अगर आसान अल्फाज में कहें, जरा हम उस पर ही आ जाते हैं, आप थोड़ा उसी के बारे में और मैं चाहूँगी तफसील लें। जब बच्चा डिसेबल हो जाता है तो 6 महीने 8 महीने जिसने माइलस्टोन्स पे आता है, जिसने गर्दन नहीं ठहराई, वो बैठा नहीं या खड़ा नहीं हुआ, या इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या इसकी थूक ज़्यादा आ रही है, या उसको फिट्स भी साथ में पड़ रहे हैं, तो उसको हम एक लेबल करते हैं जो मैं बहुत तहे दिल से, अंदर से बहुत दुख के साथ कहता हूँ, वो है सेरेब्रल पेल्सी। जैसे कहते हैं ना, पोलियो रिवर्ट बैक नहीं होता, ऐसे सेरेब्रल पेल्सी रिवर्ट बैक नहीं होता। ओह माय गॉड। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों का अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये ना रिवर्ट बैक होने वाली बीमारियाँ, डिसेबल। मैं इसको हमेशा स्पेशल चाइल्ड कहता हूँ, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, तो स्पेशल चाइल्ड में वही होता है कि चूज़न पीपल भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स चूज़न पीपल कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से एक ज्ञान है। बहरहाल इसमें माइलस्टोन्स कैसे हैं, जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उसमें कुछ चीज़ें तो ये हैं कि हम मिनरल्स देते हैं, ठीक है, ब्रेन की पावर की चीज़ें देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको वीडियोस पे लोगों को दिखाई जा रही हूँ तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग उस चीज़ को मानते नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते, वो है अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट। हम थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट पे बात करना ज़रूर समझ अच्छा समझेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है। जी बिल्कुल। एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, जो सिर्फ मसाज कर रहे होते हैं। सही, को फनी सा ढूंढ रहे थे जवाब डॉक्टर। हाँ, कुछ ढूंढ रहा था मैं, मिला नहीं। चले चले, चाहे वो कोई अंदर पीछे से पूछे, कोई ऐसा कोई क्या क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये कहते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको पता नहीं होता कि होता क्या है, बट एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, मेरे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा ना हो तो आई डोंट थिंक कि वो न्यूरोलॉजिस्ट वो अधूरा है। अच्छा, सही, मतलब इतना इनका बहुत बड़ा रोल, ठीक हो गया, लेकिन किसका, जो प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट है, बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए, जिन्होंने 4 साल की 4 साल प्रॉपर ट्रेनिंग, 1 साल हाउस जॉब, वो है प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको खड़ा कर सकते हैं। अरे वाह माशाल्लाह, जो स्ट्रोक के पेशेंट को भी खड़ा कर सकते हैं। सही, कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट को भी खड़ा कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बहुत जबरदस्त लोग होते हैं। मैं कहता हूं कि ये फील्ड जिसने भी इजाद की है, वो उसको खुदा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ठीक। क्योंकि मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कहता हूं कि मेरे साथ अगर फिजियोथेरेपिस्ट ना हो तो मैं अधूरा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है ताहिर मेडिकल सेंटर में, जो काम करती है, मेरे साथ 5 लोग हैं जो काम करते हैं, और शायद आप वीडियोस देख भी रहे हो लोग, तो आप देखें कि किस तरह हम इम्पैक्ट ले रहे हैं और कितना लोग बच्चों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे बड़े भी ठीक होते हैं, लेकिन अभी हम बच्चों को टॉपिक पे, एक बच्चा लेटा हुआ है, उसको बिठा देना,
लेट के बिठा देना, क्या बिठा मोमेंट के खड़ा होता कर देना आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत एक खुशी का मोमेंट होता है कि और माँ बाप के लिए जब वो देखते मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे आए हैं अर्चला के एक एनजी लगी हुई है लेटा हुआ है बिस्तर पे और मैंने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया और मैंने कहा यार इसका क्या करेंगे, कह रहा सर विल ट्राई। तो ऑफ कोर्स उसने ट्राई किया और मैंने कुछ न्यूरॉन्स की दवाई दी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, कुछ मेडिसिन दी, कुछ विटामिन दिए, कुछ ओमेगा दिया, कुछ होप दी। आहा सही, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव होप दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वो बच्चे कुछ बेहतर भी हुए, कुछ जो चल नहीं रहे थे वो चलना शुरू हुए, कुछ जो बैठ नहीं रहे थे वो बैठना शुरू हुए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो बच्चा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। वो अब सेरेब्रल पल्सी ऑफ कोर्स हो मगर आंख से हमें रिस्पॉन्स दे रहा हो और प्लस साथ में हमारे कमांड्स को थोड़ा सा ओबे कर रहा हो, समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो हल्का ऑफ कोर्स एक सीवियरिटी वाला तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर कुछ पेशेंट्स जो 70-80% पेशेंट हैं उसको हम बहुत ठीक ठाक मेजोरिटी, ऑफकोर्स हम एक डिसेबिलिटी को मैंने कहा ना पोलियो और सेरेब्रल पल्सी को हम उस डिसेबिलिटी को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, बट स्टिल एक चीज़ को बेहतर कर सकते बेहतर कर सकते उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल, तो बेहतर किया, बहुत अच्छे उस पर बच्चे को लेके आए। एक बच्चा चलने से बिल्कुल कासिर था लेकिन वो कुछ पकड़ के चलना शुरू हुआ तो एक अंदर से एक खुशी की लहर आती है। एक बच्चा उठ ही नहीं रहा था, एक बच्चा चल ही नहीं रहा था, उसकी भी एक कुछ वजूहत है। कुछ बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से नहीं होते, कुछ बच्चे मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, उनको पिक नहीं कर सकता, कोई पिक नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है, जिंक डेफिशिएंट है, मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, B12 डेफिशिएंट है, जहां आपने मिनरल्स दिए पेशेंट उठ के खड़ा होकर चलना शुरू हो गया। एक ये और अर्चला आपको बात बताऊं, दिस इज ऑल अल्लाह ताला का एक मिरेकल है जो हमारे दिमाग में डालता है और चला रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव अ हाई क्वालिफिकेशन डिग्रीज, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं दे आर ऑल क्वालिफाइड फ्रॉम हाई यूनिवर्सिटीज और वही लोग काम कर सकते हैं। ये कोई मिरेकल वैसा नहीं है कि जादू किया और कोई चीज घुमाई पानी में और कर दिया, दिस इज ऑल मेहनत, मेरी काउंसलिंग, मेरा होप, मेरी अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला के हुक्म से हम जो दवाएं लिख रहे होते हैं, सिर्फ जो फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं लिटरली उसी का ही पूरा रोल है, एक पूरा एक रोल है। लोग क्या करते हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, मगर रास्ता यही है जो मैंने आपको बताया। मैं ना हूं कोई और ना हो कोई और हो, मगर रास्ता अच्छा यही है। न्यूरो का डॉक्टर और उसके अच्छा साथ न्यूरो का डॉक्टर अच्छा उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपिस्ट भी वो जो हाथ से काम करते हो, कुछ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक चीजें लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मशीन पे चला देते हैं या साइड में बिठा देते हैं, उनको बोलते हैं बस ये करते रहो ये करते रहो, ऑफकोर्स दे कैन नॉट डू इट। उसके लिए मैंने कहा कि बहुत मेहनत की जरूरत है, जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है वही इसको ग्रोथ दे सकता है। आपने सुना होगा कि सालों साल तक एक पेशेंट, बड़ा पेशेंट स्ट्रोक का या कोई भी पेशेंट था, लेटा हुआ है घर में, लेटा हुआ ही है और फिजियोथेरेपिस्ट रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, आप फिजियोथेरेपिस्ट तो बड़ा आ रहा है, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो मैं बताऊं पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जो घर जाएगा, जो एजुकेटेड लोग होंगे कभी घर नहीं जाएंगे। नहीं, अगर कोई पेशेंट ही ऐसा है जिसको उठा के देखे, उठा के लाना है, आपको बता दूं जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो उसको खड़ा कर देगा, लेकिन जो घर पे जाते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड में वो कहता है यार ठीक है चलने दो, तो वो चाय पिएगा, बातें करेगा और पता है क्या चलाता रहेगा, जवाब ये देगा कि वो अगर चले नहीं तो क्या हुआ, ईज हो रहा है। ऑफ कोर्स जो फारिग आदमी, देखिए जो फारिग आदमी होगा ना वही घर जाएगा, मेरे जैसा न्यूरोलॉजिस्ट का घर जाएगा नहीं जाएगा, बाद एक लाइन लगी तो एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट जो जिसकी लाइन लगी हुई होगी, जो उसको पता है कि मुझे काम क्या करना है, तो ऑफ कोर्स अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के क्यों जाएगा, ऑफ कोर्स ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं जाए। तो ये इसकी एक वजाहत है और लोगों को आप बताएं, दोबारा आप बताएं। बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जो कि बात मुझे भी समझ में आ रही है कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट या बहुत अच्छा डॉक्टर जिसको अपनी क्लिनिक में लोगों की मदद करनी है, लोगों को हेल्प आउट करना है, एक लाइन लगी हुई है लोगों की जो उसके इंतजार में बैठे, वो आप सबको छोड़ के आपके घर कैसे आ जाएगा, एक
इदारा, एक जगह बनी है जहाँ पर इलाज करवाया जाता है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे उठ के आपके पास इलाज के लिए आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ मामला गड़बड़ है, या तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है ही नहीं, या बिल्कुल ही कोई फारिग है और वो आ रहा है वो भी अपना टाइम किल करने, और ऐसे ही आ रहा है, ड्यूटी दे रहा है और जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने अपनी आंखों से देखे, और जवाब वो फिजियोथेरेपिस्ट ये देते हैं कि अरे इनको जो पेन वेन हो रहा है ना, उसमें इनको ईज मिल रहा है जो हम कर रहे हैं, चल नहीं रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका तो असल काम ये है कि आपने उठा के बिठाना है उनको। हमारे यहाँ भी लोग सवाल भी नहीं करते, अच्छा हाँ आराम मिल रहा होगा शायद। एक्चुअली अर्शला, यहाँ पे नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लैक ऑफ नॉलेज है, प्लस साथ में आपको पता है हर जगह क्वैक्स बैठे हुए। हाँ बिल्कुल, क्वैक्स मींस के अनपढ़ लोग, ठीक है, तो जो मिसाज करने वाले लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नकली, और अब बस ये बड़ा अब उसको थोड़ा सा कुछ सीख गया तो पैंतरे मारना। हाँ। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट बन ढूंढ रहे हैं डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स मिल नहीं रहा अल्फाज, अभी ब्रेक दे रहे हैं आप, उसमें ब्रेक कोई बेहतर अल्फाज ढूंढे, या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते हैं सुबह में, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर इब्राहिम से कि जो नकली फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं, उसके लिए कोई बेहतर लफ्ज मुझे खराब आ गया है अब आपको, मालेशिया। तो ये थोड़ा सा डिग्री विग्री भी चेक कर लेनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है। मैं दिखाओ, मैंने आपको कहा ना कि जो प्रॉपर डिग्री, क्या डिग्री तो आजकल आपको पता है मिल जाती है, वो भी मिल जाती है, नहीं बस यही एक साइन है कि वो अपना अच्छा क्लिनिक, अच्छे अपने जो उनके पेशेंट आए हुए, इतने वो बिजी है, वो उठ के आपके पास नहीं आ सकता, उसके पास टाइम ही नहीं होगा, 10-15 लोगों को छोड़ के आपके घर आ रहे हैं, वो फ्री आदमी है, उसको चाय वाय पीनी है, गप्पे लगानी है। ऑफ कोर्स, ये क्या अपने जुज वाली बात की, आज जिस जिसके घर में वो आते होंगे ना, वो मुझे लगता है को निकाल देंगे। नोटिस कीजिएगा, आएंगे आराम से बैठेंगे, गर्मी वर्मी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, कोई शरबत, फिर कोई चाय, फिर बातचीत होगी, बुजुर्गों के साथ जाके बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो घर में सेटिंग भी कर लेगा। ऐसा कुछ हो तो बस ये अलार्मिंग साइन है, आप समझ जाए कि ये आदमी गड़बड़ है। चले जी, तो एक तो ये है, दूसरा फिजियोथेरेपी की एक बहुत खास बात होती है कि उनके हाथ की टैक्स होती है। अच्छा, उनको ये सिखाया जाता है कि कौन सी एरिया को, आपको अगर पेन होता है तो आप प्रॉपर अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तब भी आप जाके रिलीफ होता है आपका पेन, उनको पता होता है कहाँ वो टेंडर पॉइंट है, वहाँ पे दबाने से आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। उनको प्रेशर पॉइंट्स पता होते हैं, पढ़े लिखे ना, एजुकेशन लेवल है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ कामयाबी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ कामयाबी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ्रॉड है। तो फ्रॉडिंग हर जगह पे, हर जगह, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप ऑफ कोर्स एक विजिट जरूर करें हमारे पास ताहिर मेडिकल सेंटर में, जहाँ पे मैं एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है, मेरे साथ पूरी एक टीम है, आपके साथ कोई भी ऐसे मसाइल हो जरूर रब्ता करें, आए विजिट करें, हमें चेक करें और फिर आप इलाज करवाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, आप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि एजुकेशन लेवल के हिसाब से हाउ दे वर्क। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, अभी आपने वीडियोस देखी भी हैं, आप वीडियोस देखें, चेक करें, आप देखें कि किस तरह के हमने बच्चों पे काम किया है, किस तरह हमने उनको सही किए। अल्लाह का शुक्र है हमने नहीं किया, अल्लाह ताला के हुक्म से सारे बच्चे ठीक हुए, कोई जादू से ठीक नहीं हुए, कोई पानी पड़ के फूक के ठीक नहीं हुए, इनके पीछे बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत की गई है, इवन दो के माँ बाप ने इतनी सेक्रीफाइस किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए। कुछ लोगों को तो आपको बात बताऊँ, जो क्वेटा से, हब से, बलूचिस्तान से आते हैं, मैं एक एक महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीने को बोलता हूँ कराची रुक जाओ, यकीन करें इतने मासूम लोग हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती, नहीं मिलती, लोगों को बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वहाँ पर, क्वेटा के पेशेंट्स को, बलूचिस्तान के पेशेंट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट, प्रॉपर लोग नहीं है वहाँ पर, एक बहुत बड़ा क्वैक सिस्टम चल रहा है। मेरे समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब, ये हो सकता है हमारे टॉपिक से बिल्कुल, हो सकता है कि यकीनी तौर पे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी और मैं समझ रही हूँ, बड़ा जरूरी है। वैसे तो हम कहते हैं हमारे मुल्क में बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत, जहाँ देखो डॉक्टर्स है, हर घर में एक दो डॉक्टर जरूर होता है, सबके ख्वाब और ख्वाहिश होती है, जब तक घर फैमिली से एक डॉक्टर नहीं निकलेगा तो बस, तो हम तो पता नहीं क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी जगह जो ऐसी हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, आप जैसे लोग वहाँ जाते नहीं है, जाना नहीं चाहते, क्या है सिलसिला, या वहाँ लोग पढ़ नहीं रहे, क्या है, क्यों नहीं, मतलब वो उन जगहों पे, बहुत सारे इंटीरियर में या बहुत सारी जगहों पे मैं अक्सर सुनती हूँ डॉक्टर्स कहते हैं वहाँ इलाज ही नहीं है, वहाँ से उठ के लोग कराची आते हैं, क्या गवर्नमेंट के लेवल पर वहाँ काम नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट के अच्छे अस्पताल नहीं है, या लोग खुद नहीं जाना चाहते, क्या है चक्कर ये? बड़ा दुखी सवाल पूछ लिया, क्योंकि खुद भी डॉक्टर है। मैं
मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा ना कि डॉक्टर्स कम है, क्वैक ज़्यादा है. सही. तो डॉक्टर्स, हर आदमी डॉक्टर नहीं होता. आपने कराची में अगर टोटल अगर 2000 डॉक्टर हैं तो 2.5 करोड़ आवाम भी तो है. कराची में सिर्फ 2000 डॉक्टर है? सिर्फ 2000 डॉक्टर ही. हमें ऐसा क्यों लगता है कि 20000 क्वैक हैं? 20000 क्वैक्स हैं. 20000? इससे भी ज्यादा हो सकते हैं. क्वैक्स ज्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं. ओह माय गॉड. जिसके पास प्रॉपर डिग्री ऑफ MBBS है, ओह माय गॉड, जिसके पास क्वैक्स हैं वो शायद उससे भी ज्यादा की तादाद में होंगे. मैं एक हॉस्पिटल में एज ए चेयरमैन अपनी जमात की तरफ से गया. आपको मैं ट्रूथ स्टोरी बता रहा हूँ. और फर्स्ट डे पे जब मैं चेयरमैन बना और मैं पहुँचा उधर, तो मैं जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, एज सच वो भी एजुकेटेड नहीं थे, तो मैंने इनसे पहले पंगी फाइल. मैंने कहा यार जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसकी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए सारे. गुड, सही है. प्रॉमिसली बता रहा हूँ, जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, एक भी डॉक्टर नहीं था. प्रॉमिसली बता रहा हूँ, इट्स माई अंदर से इंटरनली हार्ट से बता रहा हूँ. सेकेंड, जब मैंने उनकी डिग्रीज चेक की, वो चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, कोई टेक एंड केयर नहीं था. तो जब मैंने उनकी डिग्रीज चेक की तो यकीन करें PMDC में तस्वीर किसी और की, डिग्री तस्वीर उस आदमी की, समझ गई मैं, डिग्री किसी और की. जब मैंने PMDC लाइसेंस नंबर डाला तो ऑफकोर्स उसका तो शनाख्ती नहीं हो रही. उसको निकालने में मुझे 2 महीने लग गए. उन जितने भी डॉक्टर्स थे जो RMOs काम कर रहे थे, और जो रिप्लेसमेंट और डॉक्टर्स लाने के लिए मुझे जतन करना पड़ा, उनको पहले तो मैनेजमेंट को समझाना पड़ा कि यार भाई डिग्री. उन्होंने मुझे एक सवाल रिबैक सवाल क्या किया, आपको मैं सवाल का जवाब बताता हूँ. रिबैक सवाल ये किया, यार इन्होंने आप हमें तो इतना बिजनेस दे रहे हैं, आप इसको निकाल रहे हैं, 100-100 ड्रिपे लगाते हैं रोज. ओह माय गॉड, आप इनको निकाल देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे नीचे चला जाएगा. तो दिस इज ए क्राइटेरिया ऑफ एन हॉस्पिटल. तो नो डाउट हॉस्पिटल बहुत है, क्वैक्स मैंने कहा ना इससे ज्यादा है. कितने ज्यादा है? 2000 और कौन चेक करता कितने परसेंट? लोगों को यही नहीं पता अभी तक, तो ये नहीं पता कि PMDC नंबर को चेक करके, इसी तरह स्टाफ की डिग्रीज को भी चेक करने के लिए PNC नंबर होता है. अच्छा, डॉक्टर को चेक करने के लिए PMDC नंबर है. ओके, और स्टाफ के चेक करने के लिए PNSC नंबर. अच्छा, अब एक नॉर्मल इंसान अगर किसी क्लिनिक पे जा रहा है और उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांग रहा है, ऑफ कोर्स वो नहीं आप चेक नहीं कर सकते. नहीं कर सकते? कभी कोई दे भी देता है तो उस पे भी लिखा होगा PMDC नंबर? ऑफ कोर्स लिखा होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ तो, मैंने जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पे जो उसकी डिग्री थी, जो क्वालिफिकेशन की लाइसेंस था, उस पर पिक्चर एक आदमी की लगी हुई जो उधर काम कर रहा है, और PMDC किसी और का था. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? करेंगे कैसे? मैंने कहा ना मुझे 2 महीने लग गए उसको निकालने में और उस मैनेजमेंट को समझाने में कि भाई ये तो उनके पास, वो जो मीटिंग में मैं जवाब दे रहा था, उन्होंने कहा भाई 100-100 ड्रिपे लगाता रोज का हमारा लेवल ऑफ बिजनेस इतना था, लेवल ऑफ बिजनेस आप कम कर देंगे, और कर दिया आपने. तो दिस इज अ सोच. तो सोच को आप नहीं तब्दील कर सकते. ऑफ कोर्स देयर इज अ मैनेजमेंट इश्यूज. क्वैक का दौर बहुत है, यहाँ पकड़ने वाले लोग कम है, अगर पकड़ भी लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे नहीं लोग कितने दिन तक पकड़े रहेंगे. खैर छोड़ें डॉक्टर साहब, आप आ जाते हैं उन्हीं बच्चों के इलाज की तरफ. ये टाइम टेकिंग होता है? ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है. कितना लंबा अरसा है रखना पड़ेगा घर वालों को? किस पेशेंट? बहुत लंबा अरसा. फिजियोथेरेपी, न्यूरॉन्स की दवाई, न्यूरोलॉजिस्ट से रबता पेशेंट. देखें 60% हम काफ़ी हद तक इसको बेहतर कर देते हैं. ठीक है, मैंने कहा ना पहले ही मैंने एक अल्फाज कह दिया था कि पोलियो और सेरेब्रल पेल्सी रिवर्ट बैक नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि इसका मोटर सिस्टम ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो ठीक नहीं हो सकता, मगर हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं. जैसे पोलियो है उसको भी हम फिजियोथेरेपी कराएं, ठीक है, उससे बेहतर कराएं. पोलियो को बेहतर करने के लिए सर्जरीज हो जाती हैं. हमारे ताहिर मेडिकल सेंटर में ही ये डॉक्टर मेहताब बैठते हैं. ठीक है, और इज़ अ वेरी गुड एलिजोवियस सर्जन है. ओके, जो पोलियो की जो टांग बिल्कुल ख़राब हो जाती है उसको सीधा करने के लिए पूरी वो सर्जरी करते हैं. उसको टेक्निक कहते हैं एलिजोवियस सर्जरी. ओके, उसके बाद वो भेजते हैं फिजियोथेरापिस्ट के पास कि सर्जरी होने के बाद जब टांग काफ़ी हद तक जो टेढ़ी हो गई होती है उसको सीधी करके काफ़ी हद तक
चीजें होती है, लेकिन स्टिल डिसेबिलिटीज दिखती है, लेकिन काफी बेहतर हो जाती है, बहुत बेहतरी हो जाती है। बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर्स। मैं जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा ना कि ऑनेस्टी इज अ बिग मनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। इस जमाने में ऑनेस्टी आजकल नहीं है, नो डाउट। मैं अपनी बात भी अगर होगी तो अपनी बात भी करता हूँ और दूसरों की बात भी करता हूँ कि कहीं ऑनेस्टी में घपला है। हाँ। या तो माशरा खराब हो गया है, या हमारी जीन्स ही खराब हो गई है, हम ही खराब, हमारे इर्द गिर्द के सब लोग ही खराब हो गए हैं, हम भी खराब हो गए हैं। ऑफकोर्स पहले हम हम्बल रहते थे, जहाँ हम्बल रहते हैं वहाँ ऊपर से आदमी आ जाता है चढ़ के। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। आप कितनी देर अच्छे रहेंगे, अच्छे रहते हैं तो लोग समझते हैं फालतू है। ऑफ कोर्स हर बात में एक ही बात की जाती है कि डॉक्टर का कसूर, डॉक्टर का कसूर, डॉक्टर का कसूर। यार डॉक्टर का कसूर ऑफ कोर्स है, लेकिन होगा, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर खुदा तो बन नहीं सकता। लेकिन मुझे पता नहीं, कोई ये वाली बात ठीक नहीं लगती। जब मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान अपना प्रोडक्ट क्यों खराब करेगा। मैं अगर खाना भी बनाने जाऊं, कभी भी नहीं करेगा। मैं खाना बनाने जाऊंगी तो मैं क्यों चाहूंगी खराब बने। ऑफ कोर्स यू आर राइट, है ना। वो कहता है ना कि कोई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। एक तो फर्स्ट आपको बता दूं ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है जिससे इंसान मर जाए, ठीक है। सेकेंडली, जब जिसकी लिखी हुई है मरना, वो उस वक्त उसी बहाने से मरना है। दिस इज नॉट अ मेरिकल। मेरिकल में बच सकता है, लेकिन मेरिकल में मर नहीं सकता। उस वक्त उस लम्हा उसको लिखा हुआ है, चाहे मैं हूँ, आप हो, या पूरी कोई भी टीम हो, या पूरी जहाँ हो, बिल्कुल वो उसको जाना ही जाना है। बट वही कहते हैं ना कि बस एक नाम देना है कि इसकी वजह से, वजह ही है, तो वजह बस वजह बनती है। मगर कोई इंसान, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी से भी किसी को नुकसान पहुंचे। मैंने कहा ना, मैं चाहता हूँ मेरी क्लिनिक में आए तो मेरी क्लिनिक और फ्लरिश हो। हाँ, मेरी क्लिनिक में और पेशेंट आए, खुद जाए, खुद तारीफ करें, मेरे पेशेंट और बढ़े। मेरे से एक पेशेंट, खुदा ना खास्ता मेरे से, मैं इंटेंसिविनिस्ट भी हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे पास वेंटिलेटर्स के पेशेंट आ रहे हैं, सिक पेशेंट्स भी आ रहे हैं, मगर मुझसे डेथ भी हो सकती है। मगर नाम तो यही होगा ना कि इससे डेथ भी हो गई। हाँ। डेथ हो गई तो ऑफकोर्स बहुत सारे एक सिस्टम खराब होता है। इंसान से कभी नहीं होती है। वो इंसान रियलाइज बाद में करता है कि यार डॉक्टर से थोड़ी हो सकती है, डॉक्टर से क्या होगी, डॉक्टर के पास कोई आला थोड़ी है मारने का। डॉक्टर नहीं चाहता कभी भी किसी को मारना। आला सिर्फ दो ही है, अल्लाह ताला चाहे तो मरेगा। बिल्कुल, किसी को गोली लगती है वो मरता है, कभी बच जाता है। हाँ। बच जाता है तो क्या हुआ, उसकी उस वक्त उसकी मौत लिखी भी नहीं थी। हाँ। नहीं, मैं तो अगर ऐसे बात करें तो अगर इस पर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लोग मारने भी आते हैं, लेकिन हम जो पेशा है डॉक्टर का वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि उनका काम है बचाना, मारना है ही नहीं। कोई भी ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि मर जाए। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन हमारे साथ? अब्दुल लतीफ ठका से जी। अब्दुल अजीज, क्या अब्दुल अजीज ही कहा है ना आपने जी? जी अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ जी, कहिए जी। डॉक्टर इब्राहिम से पूछना ये है कि मेरा बच्चा जो है ना 2 साल का हो चुका है, अब मैं उसको माँ का दूध कैसे छुड़वा, क्योंकि इसको अब आदत हो गई है, तो इसको छोड़ना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कैसे टेक्निक अपनाएं ताकि उसका दूध छुड़वा सके आसानी से। पहले तो ये है कि भैया माँ का दूध छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम ये होता है कि बच्चे की आदत लग गई होती है, मगर 2 साल 3 महीने तक आप इसको पिला सकते हैं दूध, अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है। वाइफ जो है ना प्रेगनेंसी हो गई है, 5th मंथ चल रहा है। जी जी ठीक है। तो एक तो दूध पिएगा तो नुकसान तो नहीं होगा उसको? नहीं, नुकसान ऑफ कोर्स नहीं है। 6 महीने तक तो दूध पिला सकती है, मगर नहीं पिलाना, क्योंकि इसकी आदत छुड़वानी है तो खाने की तरफ आदत डालें। 2-3 दिन माँ को इधर उधर करना होता है कि बच्चा डायरेक्ट फूड पे आ जाए और माँ को ना देखे, तब भी बच्चा जो है काफी हद तक माँ के दूध से इधर उधर हो जाता है। दूसरा, बच्चा कभी कभार चीजें खाने पे ले आते हैं, तब भी माँ का दूध पीछे की तरफ ले जाता है, और माँ अगर दूध की तरफ फोर्स ही नहीं करेगी कि दूध नहीं पिलाना है, तो फिर वो दूध नहीं पिएगा। ठीक है जी, चलिए जी। डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं वापस जो हमारा मौजूद वक्त चल रहा था। अभी मैंने आपसे पूछा ये इलाज कितना टाइम टेकिंग होता है। कोई ऐसा पेशेंट अगर बच्चा आपके पास आता है जिसकी उम्र 7-8 साल है और वो उस प्रॉब्लम से आ रहा है, 7-8 साल तक उस प्रॉब्लम को उसने झेला है, डेफिनेट अब ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आया, तो अब उसको ट्रीटमेंट के लिए पहले तो टाइम आप सवाल पूरा। हाँ, मैं चाह रही थी कितना टाइम लगेगा जो थोड़ी बेहतरी की तरफ आ जाए। ओके, अगर आप शायद वीडियो देख रही हो तो इसमें बड़े बच्चे भी हैं, उसमें ये देखें कि इसके कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं बन गए,
ऐसे तो नहीं हो गया पेशेंट, ठीक है सर। पहले तो उसके कॉन्ट्रैक्चर्स खोल ले विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिंस। अच्छा, ये जो बन गए वाली बात की है ना, इससे एक सवाल मुझे और आ गया जी। ये बन गए क्या उम्र के साथ बनना शुरू हो जाते हैं, छोटी उम्र में ट्रीटमेंट शुरू कर दें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा ऐसे हो जाते हैं क्योंकि मसल, देखिए यानी वक्त बढ़ते हैं और आप मसल मूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप एक तरफ हाथ रख दे तो थोड़ी देर में सुन हो जाएगा, थोड़ी देर पे ये अकड़ जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब तब हुआ ना जब आपका बच्चा खुदा ना खास्ता अगर 1.5-2 साल में इस बीमारी में आ गया है और आपने इग्नोर किया, 8-9 साल तक आप ले गए तो फिर ये बन गया? ऑफ कोर्स, पहले नहीं था। नहीं। इसका मतलब है कि जब आपका बच्चा अगर 1.5-2 साल में आपको फील हो गया तो फौरी आप ट्रीटमेंट कराएं ताकि इससे तो निकले। उसमें शर्त यही है कि रिस्पॉन्सिव बच्चा हो, ठीक है, जो हमारे कमांड्स को फॉलो करे। सही है, ऑफ कोर्स वो चीजें हमें आएंगी हमारे सामने, ठीक है। जब हमारे सामने आएंगी तो खुद ब खुद चीजें हम इसको डील कर सकेंगे। पहले तो कॉन्ट्रैक्चर्स खोलने हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिंस। ओके, जब वो कॉन्ट्रैक्चर्स लूज हुए, मसल लूज होना शुरू हुए, ठीक है, तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपी पे स्टार्ट करते हैं। सही। फिर ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स की दवाएं हैं, कुछ मसल्स की दवाएं हैं, कुछ नर्व्स की दवाएं हैं। सही। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बच्चे को अलर्ट करती हैं, 3 दवाएं देनी पड़ती हैं। ओके, ठीक है, तो 3 दवाएं दी, कॉन्ट्रैक्चर्स खोले और फिर फिजियोथेरेपी पे डाला। तो जो बच्चा एक बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ ही बच्चा है वो रिलैक्स होना शुरू होगा पहले। अच्छा। पांव खुलेंगे, हाथ खुलेंगे। सही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। जब मसल स्ट्रांग होंगे तो ऑफ कोर्स वो गर्दन को पहले ठहराना शुरू करेगा। हाँ। फिर हम कमर के मसल्स को और पेल्विक बोन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना 3 दवाएं और भी हैं, हाँ जी, नर्व की, मसल की और ब्रेन के पावर की और अलर्ट की, ठीक है। तो फिर वो अलर्ट हुआ, समझा कि बैठना कैसे, बैठना शुरू हुआ, उसको बिठाने के लिए मसल्स की एक्सरसाइज की। फिर इसको हमने अलर्ट जब हुआ, क्योंकि देखे हर चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी बात पहले समझ रही है, यहाँ से सुन रही हैं, यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में डाल रही है, फिर आप आंखों से देख रही हैं और यहाँ से बोलना शुरू कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से पहले समझेंगी कि मुझे पांव सीधा करना है, तब करेंगे। सही। पहले तो आप समझ ही नहीं रहे, तो मैंने वो दवाइयां देके पहले इसकी समझ को पॉजिटिव लेके आया, चलो भाई। फिर मैं इसके पांव को बोला कि पांव उठाओ, ठीक है, लेटे लेटे ही पहले हाथ उठाओ। तो हमने पहले इन चीजों पे गए, गर्दन को बिठा के पहले एक्सरसाइज की कि गर्दन ठहराए, फिर बिठाना, बिठाने की कमांड्स दी, पहले बिठाया सपोर्ट देके, फिर हमने उसको सेंस करवाया कि भाई तुम्हें सपोर्ट करना है, क्यों? पहले तो सेंसरी सिस्टम ही इसका लो था, क्यों? पहले समझना है, फिर पहले सेंसरी है फिर मोटर है, ठीक है। तो सेंस हुआ, फिर मोटर पे आया, फिर इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइजेस शुरू की। ओके। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू हुआ। फिर कई दफा हमें शूज बनाने पड़ते हैं, कई दफा बेसानी की देनी पड़ती है, कई दफा हमें रॉड देने पड़ते हैं, इससे हमें काफी हद तक चीजें हेल्प मिलती हैं। ठीक तो है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लाइन से आपको बताई जिस पे हेल्प मिलती है। सही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, पता नहीं अब बाकी लोगों को लग रही है लग रही है, कि खुदा ना खास्ता अगर है ये प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी इसको डील माने और डील करें, लेके जाए माने मतलब अडॉप्ट करें। हाँ। कई दफा लोग करते क्या है, क्या कि समझते हैं कि इसको कुछ असर हो गया है या एमआई तेमी जो भी चीजें होती हैं, फर्स्ट डे डोंट गो टू द डॉक्टर। ये तो हमारे यहाँ बहुत है, फर्स्ट डे गो टू एक्स वाई जी, बिल्कुल, देन लास्टली दे कम टू द डॉक्टर्स। कोई भी चीज के लिए किसी को बिड़गी हो गई ना, पहले वो कहीं और ही जाएंगे, बाद में उनको अक्ल आएगी ये तो मसला ही नहीं था। किसी को एक बुखार भी हो जाएगा ना, कैंसर भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ना, फर्स्ट दे गो विल टू द एक्स वाई जी, फिर इसके बाद वो अरे नहीं यार ये तो यही इलाज होगा और तो कहीं इलाज नहीं होगा। सही। एलोपैथिक सर्जरी, एलोपैथिक सर्जरीज, न्यूरो या एक्स वाई जी, एलोपैथिक एंड फिजियोथेरेपिस्ट, यही लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अदरवाइज नो वन कैन ट्रीट एनी ऑफ दीज डिजीजेस, चाहे कोई भी एक्स वाई जी हो। ठीक है, ठीक। ये आपके पास एडमिट भी करना पड़ जाता है या बुलाते हैं? क्या एडमिट करने की इसमें जरूरत नहीं, इसमें होप है, ठीक है, होप है, बर्दाश्त करना है, थोड़े से पैसे भी ऑफ कोर्स खर्च करने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए खर्च करने होते हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आजकल फिजियोथेरेपिस्ट के बहुत स्ट्रांग हो गए, ठीक, वहां पे भी अगर आप अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं तो भी आपके बहुत अच्छा
हो जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, बहुत जबरदस्त टॉपिक पर आज आपने बात की, लोगों को सिखाया भी और आप लोगों ने वीडियोस भी चलते हुए देखे होंगे कि किस तरह से इलाज ताहिर मेडिकल सेंटर में हो रहा है, किस तरह से डॉक्टर साहब खुद देख रहे हैं, इनकी पूरी टीम है 7-8 लोगों की जो देख रही है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि टोटली 100% सर्टिफाइड प्रॉपर डॉक्टर्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो ज़रूर आप खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में जानने वालों में कोई है तो आप उनको ज़रूर रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं भी नज़र आ रहा है कि इस बहुत छोटी एज में किसी बच्चे में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट कीजिए और जाकर जल्दी ट्रीट करवाइए कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले कि ट्रीट करना मुश्किल हो या तकलीफ दे हो। चलिए जी, आई होप कि आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, सीखा है तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने साथ दिया तो इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।